पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी, हिंसा और तोड़फोड़ के खिलाफ बीजेपी ने धरना दिया। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में बीजेपी के नेता धरने पर बैठे। भाजपा नेताओं ने कहा, ममता बनर्जी के लोग लूट और हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि बंगाल को सेना के हवाले किया जाए। तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता में वापसी करते ही हिंसा का नंगा नाच पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हिंसा की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में जहां मानव समाज एक दूसरे की जान बचाने के लिए प्रयासरत है, वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, उपद्रवियों व गुंडों द्वारा लगातार हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और हत्याएं की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों व प्रतिष्ठानों तथा पार्टी कार्यालयों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आज ये धरना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी मंडल स्तरों पर पश्चिम बंगाल की जो इस चुनाव में जो सरकार बनी है उसने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं आम जनमानस के ऊपर भी जिस प्रकार से हत्या, आक्रमण, लूट, बलात्कार करने के जो जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो करने का प्रयास किया है उसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बात को लेकर के धरने पर बैठे हैं कि बंगाल के अंदर जो आक्रमण और लूट और आगजनी जिस प्रकार से हो रही है, इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो कर रही है, वो ये भी समझे कि बंगाल का कार्यकर्ता अकेला है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, बंगाल के उस जनमानस के साथ खड़ा है जिनके ऊपर गुंडागर्दी करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। आज मैं कहना चाहता हूं, ये जो सरकार बनी है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ये नक्सलवाद का दूसरा रूप है, क्योंकि इस देश के अंदर उसी नक्सलवादी क्षेत्र से जब राष्ट्रवादी जीत करके आते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं तो ये जो खींच निकलती है, जो बंदूक के बल पर भारत को राजनीति करने का, राजनीति पर कब्जा करने का जो प्रयास करने वाला विचार था, वो विचार आज समाप्त होता है तो ममता बनर्जी के तौर पर वही विचार आज बंगाल के अंदर स्थापित इस चुनावी दौर में जो हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिस प्रकार से अपना संघर्ष और बलिदान देकर के इस देश के अंदर नक्सलवाद को समाप्त कर दिया, तो ममता बनर्जी जी तुम काल के अंदर आप भी ये याद कर लो कि आपने जो तांडव करने का प्रयास किया है, इसका जवाब पूरा देश का जनमानस, बंगाल का जनमानस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के अंदर आपको देगा कि आपको आज में धरने के माध्यम से आगाह करना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की इस गुंडागर्दी में अब हजारों पार्टी कार्यकर्ता घायल हुए हैं और कई की हत्याएं कर दी गई हैं। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह कार्रवाई लोकतंत्र के नाम पर कलंक है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में धरना दे रही है। उन्होंने कहा, वर्तमान हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी, मांग करता हूं कि बंगाल को सेना के हवाले किया जाए। बड़ी चिंता की बात है और बहुत निंदा की बात है। ये जो असली स्वरूप था उनका, वो सामने आ गया। वो व्हील चेयर, वो बंगाल की बेटी, वो काली का मंत्र, वो सब नाटक था। ये तुष्टीकरण और रोहिंग्याओं की आड़ में जो हिंसा हो रही है वो अब सामने आ रही है। बंगाल को सेना के हाथों में देना पड़ेगा। ये कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ
गोली की भाषा समझते हैं, कार्यकर्ताओं को मारने में जो हिचक महसूस नहीं कर रहे, जागजनी करने में, लूटपाट करने पर, दुकानों पर लूट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार सामूहिक हो रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद गए, हम तो चाहेंगे कि उनका आदेश मिले तो हम भी जाएं। मुझे लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कलकत्ता में हैं, उनका जब भी निर्णय होगा हर कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का वहां पहुंचेगा। ये माननीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को आश्वस्त किया और ये हमारी परंपरा भी रही है। मैं तो ये देखता हूँ कि जहाँ से नक्सलवाद पैदा हुआ उस नाभि पर कमल खिला है, लेकिन ममता बनर्जी एक छद्म नक्सलवादी है, सॉफ्ट स्पोकन नक्सलवादी हो सकती है। मैं मानता हूं कि वो रक्त बीज की तरह स्वरूप बदल कर आई है। लोकतंत्र के समर्थक तमाम दलों को, तमाम विचार को, विचार मानने वालों को, उन तमाम बुद्धिजीवियों को आज नहीं कल इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। विशेषकर बंगाल के वो भद्र लोग जो वैचारिक आंदोलन के सहयोगी रहे हैं, समर्थक रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि ये चुप ना रहें। शुरुआत में ही ये जो लक्षण दिख गए हैं इसका पूरी ताकत के साथ मिलजुलकर विरोध करना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रतिबद्ध। बीजेपी का दावा है कि धरना प्रदर्शन का यह आयोजन प्रत्येक मंडल में किया जा रहा है और इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन भी किया जा रहा है। इस धरने के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं की संख्या एक बार में 20 से अधिक नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।